हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार, मेरा वार्डबुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बाट का जो कीएज या कौन है उसका कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि बाट का जो ब्रीडिंग के लिए हम मट्टी प्रोवाइड करते हैं, दाना पानी का पॉट प्रोवाइड करते हैं, या बाट का जो केज का फ्लोर है उसको हम कैसे साफ करना चाहिए जिससे कि उसमें जो भी सारा बैक्टीरिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि बरसाती मौसम चल रहा है और इसी टाइम पे बाट को जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाट का जो केज या कॉर्निया है इस टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के ऊपर आज का वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करेंगे बाट का जो केज का फ्लोर है हमें कैसे साफ करना चाहिए। बाट का जो केज का जो फ्लोर है वो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर अच्छे से साफ करें और ये देखें कि बाट का जो केज का फ्लोर है वो बिल्कुल गीला होना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें जो भी सारा बाट का पॉट ही गिरा हुआ रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद उसके ऊपर जो है एक चूना का पाउडर अच्छे से बिछा दे। चूना का पाउडर देने से क्या होगा फ्रेंड्स, बाट जो भी सारा पॉटी करेगा और चूने के ऊपर गिरेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बाट के पैरों में भी कोई बैक्टीरिया होगा तो चूना का पाउडर उसके ऊपर जाएगा तो जो है उसमें पाँव में जो बैक्टीरिया है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाट का जो केस का फ्लोर है उससे कोई भी बैक्टीरिया बाट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो बाट का केस जो मट्टी हम प्रोवाइड करते हैं, जो बाट का जो ब्रीडिंग के लिए मट्टी हम प्रोवाइड करते हैं वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, उससे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है बाट के ऊपर इफेक्ट करता है क्योंकि जो भी सारा नया नया चीज़ जो है पैदा होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसको कैसे क्लीन करना चाहिए, बाट के मिट्टी को क्लीन करने से पहले फ्रेंड्स उसी मिट्टी को एक पानी में अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्लीन करोगे तो देखोगे बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, एक पानी में डेटॉल मिलाकर उसी पानी में जो मिट्टी को जो है 10 से 15 मिनट आपको डुबो के रखना है और उसके बाद उसी मिट्टी को धूप में अच्छे से सूखा लेना है और उसी मिट्टी को फिर से अगर आप ब्रीडिंग में देना चाहते हो तो उससे पहले फिर से एक बार डेटॉल वाला पानी से जो है उस मिट्टी को फिर से साफ कर ले तो क्या होगा, बाट का जो मिट्टी का जो बैक्टीरिया है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उससे कोई भी जो है बैक्टीरिया बाट जब भी नया नया अंडा ले करेगा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करें। और एक काम आप कर सकते हो, अगर डेटॉल या नमक या विनीगर इन तीनों से कोई भी एक चीज़ पानी में मिलाकर उसमें जो है उससे बाट का जो मट्टी है उसको आप साफ कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो बाट को दाना पानी का पॉट हम प्रोवाइड करते हैं उसको कैसे साफ करना चाहिए। दाना पानी का पॉट जो है हम प्रोवाइड करते हैं उसको भी जो है 10 से 15 मिनट पानी में भिगो कर रखें, उसके बाद साफ करें तो देखोगे बहुत ही जल्दी से साफ हो जाएगा और उसी साफ बर्तन को आप 10 से 15 मिनट डेटॉल वाला पानी में भिगो के रखें तो क्या होगा, उसमें जो सारा बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद उसको सूखो के बाट को जो है फिर से दाना पानी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों से कोई भी बैक्टीरिया बाट के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद जो बाट जो दाट पे बैठता है वो दाट पे भी बहुत सारा पॉटी लगा हुआ रहता है तो एक काम आप कर सकते हो, जो डेटॉल वाला पानी है उसमें कोई भी कपड़े को भिगो कर कपड़े से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दाट को साफ कर दे तो उससे भी कोई भी प्रॉब्लम बाट को नहीं होगा फिर। ठीक है, और इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, बाट का ये तो हो गया बाट का केस का फ्लोर या बाट का मट्टी, बाट का जो दाने का पानी का पॉट हम प्रोवाइड करते हैं वो सब, लेकिन जो है कॉलोनी का कोने कोने में जो है बैक्टीरिया पैदा हो सकता है तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बाट को हम क्या कर सकते हैं कि जो भारकॉन एस मिलता है तो एक पाउडर मिलता है उसी पाउडर को आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम करके अच्छे से मिला के बाट का जो केज है केज का फ्लोर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, केस पे जो है कोने कोने में अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हो। ये स्प्रे किस टाइम पे करना चाहिए कि सुबह का टाइम बाट का जो दाना पानी है ये निकाल के आप बाट का केस पे या केस का फ्लोर पे या किसी भी कोने कोने पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्प्रे कर सकते हो। इससे जो है बाट का जो आई इन्फेक्शन वगैरह होता है
वो भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही अच्छा स्प्रे ये आप महीना में एक बार बाट के जो है केश के या कोहनी के ज़रूर स्प्रे करें फ्रेंड्स, आप देखो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ था जो आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। तो वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन तो कॉमेंट पर ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, मैं आपका कॉमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।